मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है जी, मैंने 2 चमचे सभी से स्पून ऑयल डाला है। बस मैं इतना ही ऑयल डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लिया है मैंने 3 मीडियम साइज प्याज, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, मोटा मोटा चॉप किया है। ये अदरक है, 1/2 इंच का टुकड़ा है। ये 3-4 कली लहसुन की है, और ये 2 टमाटर है। ये मैंने मलाई ली है, घर की मलाई है, और ये दही लिया है। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो ये ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी, साथ ही ये प्याज डालूंगी। लहसुन भी इसके साथ ही डालूंगी। इसको चलाते रहेंगे। मेरी रेसिपी थोड़ी अलग सी है, तो आप इसको देख रहे हैं कि मैं इसमें क्या क्या डालूंगी। अब हम इसमें अदरक भी डाल लेंगे। प्याज भुनने शुरू हो गए, इसी टाइम पे मैं इसमें 10 से 15 काजू डाल दूंगी। तो प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया। फ्रेंड्स, तो मैं सबसे जरूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसे लगती है मेरी रेसिपी, प्लीज कमेंट जरूर करें। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले। इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे पहले, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक डालूंगी, 1/2 हल्दी नहीं डालूंगी मैं। इसको सिम पर मैं थोड़ा ढक के पका लूंगी, जैसे कि टमाटर पक जाए अच्छे से। फ्रेंड्स, इसको मैंने ढक दिया है और गैस को बिल्कुल सिम पर कर दिया है, जैसे कि टमाटर गल जाए अच्छे से। इसको चेक कर लेते हैं, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए। मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। ऑमलेट में डालूंगी थोड़ा चना मसाला। और किचन किंग डालूंगी। फिर से पका लेंगे।
इसको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाऊंगी। फिर पक गए, मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं इसमें क्या डालूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी। तो इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। मैंने इसमें थोड़ा दही डाल दिया है, मसाला ठंडा होने के बाद ये दही डाल दें थोड़ी सी। तो ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रही हूँ। इसमें दही का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बस दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसके बाद हम इसको एकदम नहीं पीसेंगे, इसको 10-15 मिनट दही को इसी तरह इसमें ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैंने ढक दिया है, कम से कम 10-15 मिनट तक इसको इसी तरह ढका रहने देंगे, जिससे कि मसाले में दही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपको कई चीजें बनानी है, तो आप इस ग्रेवी को पहले ही बना के रख सकते हैं, बाद में झटपट इसे गर्म करके इसमें पनीर डाल दें, सब्जी तैयार। तो ये ग्रेवी कई चीजों में काम आ जाती है, हमेशा मैं तो बना के रख लेती हूँ जब कोई गेस्ट आता है। तो मलाई कोफ्ता में भी यही ग्रेवी काम आ जाती है, आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स इसी का कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो मैं इसको निकाल लूंगी और पीस लूंगी। इसको 15 मिनट जरूर रखें दही में इसी तरह से। फ्रेंड्स मैंने इसी कढ़ाई को ले लिया है और इसका मसाला थोड़ा सा गर्म पानी डाल के धो के मिक्सी में डाल लिया था। तो ये मसाला मैंने पीस लिया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसमें दही का। तो आप चाहें तो इसमें ऑयल और डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। तो मैं इसका सारा मसाला निकाल लूंगी। जो मसाला रह जाएगा उसको भी मैं पानी डाल के इसमें डाल दूंगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी धो लिया, इसकी सारी ग्रेवी निकाल ली जो इसमें थी। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि गाढ़ी लग रही है। तभी मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी सी देर। तो फ्रेंड्स इसमें उबाल आने लग गया, तो अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा, जब मैंने पनीर थोड़ा सा घिस लिया था ढाबा स्टाइल में, इसी टाइम डाल दूंगी मैं मलाई। ये घर की मलाई है मेरे पास, आप क्रीम भी डाल सकते हैं।
इसको चला लें अच्छे से। ये देखिए कलर ही एकदम चेंज हो गया है। इसको चलाते रहे नहीं तो मलाई पड़ जाएगी। अब डालूंगी मैं इसमें पनीर। ये मैं 300 ग्राम के करीब पनीर लिया है। इसके मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए, आप अपने हिसाब से कर लें। ये देखिए क्या बढ़िया बना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया ऊपर से। और इसको मैं 2 मिनट और पकाऊंगी जिससे कि पनीर में नमक बैठ जाए। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसे ढक दूंगी। अब 2 मिनट तक पकाएंगे इसको, फिर ये सब्जी तैयार है। तैयार है फ्रेंड्स, इसको 2 मिनट हो गए। पनीर को ज्यादा देर नहीं पकाना चाहिए नमक डालने के बाद, नहीं तो चूड़ा हो जाता है। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर थोड़ा सा कसा हुआ पनीर डाल दूंगी इसको गार्निश करने के लिए। थोड़ा सा धनिया डालूंगी। कितना अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत यम्मी लग रहा है ये। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसा बना ये। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया जबरदस्त। तो फ्रेंड्स मैं टेस्ट करके दिखाऊंगी। देखने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है ये। बहुत बढ़िया, दही का और मलाई का बहुत क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। बहुत अच्छा बनाइए। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बनाए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।